दोस्तों क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो होती है, चाहे हमारी 16 चक्का हो जाए, 12 चक्का हो जाए, या कोई भी गाड़ी हो जाए, 1020 के टायर लगे हों, 295, 90R, 20 के व्हील्स लगे हों, चाहे हमारी मशीन्स हो जाएँ, जैसी मशीन्स हो जाएँ, कोई और मशीन्स हो जाएँ, क्या होता है कि जब हम इनके टायर खोलने की बात आती है, क्योंकि पंचर एक ऐसी चीज़ है जो आप शोरूम से गाड़ी लेके आओगे तब भी गाड़ी जो है पंचर हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टायर नया पुराना है, जब पंचर होना है गाड़ी को तो पंचर होती है। तो इस वक्त क्या होता है कि रात को, आधी रात को, या कभी भी कई बार एक स्टाफ चल रहा है, कई बार दो स्टाफ भी चलते हैं, तो जब हम व्हील के नट खोलने की बात आती है, जब उसका बोल्ट खोलने की बात आती है, तो उस वक्त हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टायर लेवर लगाते हैं, परेशान होते हैं। तो मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि अगर आपने उस मशीन का यूज़ किया तो आपको बिल्कुल एक हाथ से जो है आपका पूरा का पूरा बोल्ट खुल जाएगा। तो अभी हम आपको डेमो दिखाते हैं, पहले एक बार आप डेमो देख लो और फिर उसके बाद समझना कि ये जो मशीन है वो बेसिकली क्या है। ये जो स्पैनर है हमारा वो इसी काम में आता है कि कितना भी बेकार नट हो, चाहे आपका नट जंग लग गया हो, चाहे आपका नट 50 साल से नहीं खुला हो, चाहे 5 साल से नहीं खुला हो, उसमें चाहे चूड़ियाँ भी ना हो, अगर चूड़ियाँ भी स्लिप हो जाती तो वो नट भी जो है हमारी मशीन खोल देती है, और वो भी शर्त ये है कि बिना मेहनत के खोलती है। तो यहाँ पे मेहनत और वक्त दोनों बच जाते हैं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी सेफ पे चलती है या किसी भी चीज़ पे चलती है, समय की बहुत कीमत होती है, गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते, कंटिन्यूस चलनी है, कि आज आपने जो है केला एक्सप्रेस बना के चला रहे हो या संतरा एक्सप्रेस बना के चला रहे हो, तो उस वक्त की बात है। तो अब जो है क्या करते हैं कि इसको पहले लगा के दिखा देते हैं आपको, फिर बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। ये 16 चक्का है और 16 चक्का गाड़ी लोडेड है पूरी की पूरी, इसके अंदर 35 टन माल पूरा लोड है, मतलब फुल लोड गाड़ी है। और अब हम इसका आपको खोल कर दिखा देते हैं लोड भरे हुए में, क्योंकि कहते हैं कि लोड भरे हुए, हम ड्राइव एक्सल का खोल कर दिखा देते हैं आपको कि ये जो है मेन ड्राइव एक्सल है, इससे ज़्यादा सारा लोड जो है वो यहीं से आता है, सारी ताकत भी गाड़ी में यहीं से लगती है। तो चलो आते हैं और खोलते हैं इस बोल्ट को। खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका 32 इसका गोटी है, इसको जो है इस नट के अंदर बोल्ट के अंदर फंसाना है, और इसके बाद में ये मशीन को यहाँ ऐसे फंसाना है, और बस इसको यहाँ से उल्टा घुमाना है। जैसे ही आप इसको उल्टा घुमाते हैं तो ये थोड़ा सा टाइट होगा, तो यहाँ से आपको बोल्ट समझ में आ जाएगा कि खुल रहा है, और उसके बाद में थोड़ा सा पीछे घुमाओगे बिना ताकत के, बिना मेहनत के, ये पूरा बोल्ट बाहर आ जाएगा। कितना भी टाइट बोल्ट हो, कुछ भी हो, बिना मेहनत के आएगा, और इसमें मेहनत और समय दोनों बचाने का ही जो है पूरा का पूरा। तो ये देखो आप कि सारा का सारा जो बोल्ट है वो बाहर आ गया है, तो ये बिना मेहनत के यहाँ पे ऐसे आ गया है। अब इसको जो है हम वापस भी लगाएंगे, तो इसे कुछ नहीं करना है, आपने उसको टाइट कर दिया, वो जितना टाइट होना था, फिर उसके हाथ से टाइट होना था या आपकी रेंच से टाइट होना था, इसके बाद में आप मशीन फंसाते हो, और मशीन फंसा के इसको जैसे आप नॉर्मली टाइट करते हो वैसे कर देना है। जैसे ये बोल्ट टाइट होना शुरू होता है, हल्का सा जोर पड़ता है हाथ पे, इसके बाद जैसे ही जोर पड़ता है 3 बार घुमाना है, और ये बोल्ट जो है वो पूरा टाइट हो जाता है। ऐसे ही पूरा टाइट होगा, ये इतना पीछे आ जाएगा अपने आप जितना उसको एक्स्ट्रा टाइट होगा। तो अब हम जो है ये एक बोरवेल मशीन का टायर खोल रहे हैं, बहुत ही हैवी है, और ये जो है बहुत, क्योंकि इतनी चलती नहीं है आपको भी पता है, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये 2 महीने भी खुल रहा है, 6 महीने भी खुल रहा है, तो थोड़े से जाम ही होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो गोटी है आपकी इसको यहाँ लगाना है, इस पाने को यहाँ फंसाना है, ये लग गया। इसके बाद में बस हैंडल आपको लगाने के बाद में ये बस इसको घुमाना है, और ये आपका जो नट है वो खुल गया है, कोई मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं लगा आपको, ये जो नट है ये बाहर आ गया। अब इस जो बका आपके सामने, देखिए कि बिना मेहनत के खोल दिया, तो कितनी ज़्यादा जो है वो टाइम बचा देगा, मेहनत बचा देगा, और अगर पूरी गाड़ी पे एक अकेला व्यक्ति भी चल रहा है तो वो भी आसानी से खोल सकता है। और अब इसको फिट करने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी है, बस इसको ऐसे आके आके लगाना है। कितना ही पुराना नट हो, कुछ भी हो, आपको बस यहाँ पे लगाना है, कोई भी मशीन हो, बस आपकी गोटी जो है उससे मैच करनी चाहिए, ज़्यादातर 1020 के टायर में यही लगा होता है। आपको ये मशीन फंसानी है, फिर से हैंडल लगाना है, और कोई मेहनत नहीं है, एक छोटा बच्चा भी जो है वो भी खोल सकता है और लगा सकता है। और अब ये टाइट हो जाए तो इसको बस 3 बार घुमाना है, और अब ये बोल्ट जो है वो पूरा टाइट हो गया है, और अब ये बोल्ट जो है वो 100% टाइट हो गया है। जितनी ताकत आप 1-3-4 आदमी मिलके लगाते हैं, वो ताकत जो है इस छोटी सी मशीन ने कर दिया है। दोस्तों ये वोल्वो का 400 ट्रक है, 400 हॉर्स पावर की ताकत है, बहुत हैवी पुलर है, बहुत ही ओवर डायमेंशनल लोड को ले जाने के काम में आता है।
इसका ये फ्रंट का टायर है और बैक के टायर का भी दिखा देंगे। तो ये इसमें आगे और पीछे एक ही साइज का बोल्ट आता है। ये जो बोल्ट है आप देख लो, थोड़ा सा पुराना भी हो गया, इसमें जंग वगैरह भी लग रहा है, तो इतना फ्रीक्वेंटली खुलता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी टायर का यूज़ करते हैं। अब हम इसको खोल के दिखाएंगे कैसे मैं एक हाथ से जो है इसको फटाफट से खोल सकता हूँ कि अगर गाड़ी का कभी टायर पंचर होता है तो तुरंत ही कैसे हम खोल सकते हैं। तो ये जो है बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी नॉर्मल गोटी इस मशीन के साथ में आना है वो लगाना है जो आपके टायर में फिट बैठेगा। ये देखो कि यहाँ पे ये कितना टाइट था और इसकी चूड़ियाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है ऊपर, और ये नट का क्वालिटी भी आप देखो कि ये कितना इस तरह से अंदर की चूड़ियाँ भी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और इसको एक ही हाथ से मैंने जो है खोल दिया बिना कोई ज़्यादा ताकत लगाए। और अब इसको कसने का भी वही फंडा है कि इसको कसने के लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको ये नट को थोड़ा सा फंसाना है यहाँ पे। ये सारे बोल्ट यूं ही खुल जाएंगे बिना किसी ताकत के, और एक आदमी अगर अकेला भी गाड़ी पे तो थकेगा नहीं, आजकल हाइड्रोलिक प्रेशर। और अभी तीन बार घुमाने के बाद ये फुल टाइट हो गया है और ये मशीन जो है अपने आप बैक आ जाएगी यहाँ से उतनी जितना वो एक्स्ट्रा टाइट होगा, और ये जो बोल्ट है वो फुल टाइट हो गया है। तो भाई ये था वोल्वो का 400 जो बिना मेहनत करे बोल्ट खोल दिया। अगर आपको 10 के 10 बोल्ट भी खोलने हैं, इसमें 10 बोल्ट लगे होते हैं इस व्हील अप पे, तो ये सारे 10-12 बोल्ट खोलने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, कोई टायर लेवर नहीं चाहिए, कोई बहुत मशीन नहीं चाहिए, बिजली पानी कुछ नहीं चाहिए, हाथ से खुलता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इस मशीन को लगाओ तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर रात भी है, दिन भी है, सुबह है, शाम है, बारिश हो रही है, बिल्कुल आपका काम आसान हो जाने वाला है इस मशीन से। एक 14 चक्का हाइवा है, हाइवा मतलब ये पूरा डंपर है, टिपर है, किपर है, तो इसका हम खोल के दिखाएंगे। कहते हैं इसका टायर खोलना, इसका बोल्ट खोलना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा होता है और इसमें बहुत हैवी एग्रीगेट्स लगाए होते हैं, मतलब टिपर नट होता है वो बहुत हैवी तरीके से, हब पे बहुत ज़्यादा तरीके से बोल्ट होता है, तो आपको बहुत सरल है लगाना उसको। टायर खोलने के लिए बहुत ही सरल है, सबसे पहले आपको आपके टायर के जो नट है उस साइज की गोटी लेनी है, अगर 32 है तो 32 और 33 है तो 33। ये आपने गोटी लगाया यहाँ पे, और गोटी लगाने के बाद आपको यहाँ पे ये लगाना है, मशीन लगाना है। जैसे आप इसमें मशीन सेट करते हो उसके बाद में ये हैंडल दिया हुआ है, और हैंडल पे भी यहाँ पे बढ़िया सी ग्रिप दी हुई है, इसको आप जैसे ही इस पे लगाओगे इसके बाद आपको बस इसको घुमाना है। तो ये नट जो है हमने एक हाथ की मदद से यहाँ पे आसानी से खोल लिया, तो नट देखिए आप इसमें आ गए, तो ये नट हमने यहाँ पे आसानी से खोल लिया। इसी तरह से आप सारे के सारे खोल सकते हो बिना ताकत लगाए। अब हम इसको जब वापस कसेंगे तो यहाँ पे आपको पहले इसको कस देना है, ये आपका टाइट हो गया, आपको फिर से मशीन लगानी है। और अब ये बोल्ट फुल टाइट हो गया है, तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा आसान हो जाता है इस मशीन के माध्यम से बोल्ट को खोलना और लगाना। जो हम बड़े बड़े टायर लेवर करके जाम हो जाते हैं नट, कई बार खुलते नहीं है, तो वो सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से इस मशीन से नट को खोल सकते हो और लगा सकते हो। दोस्तों मशीन के बारे में दो खास बातें और हैं। पहली कि इसमें आपको 24 की गोटी चाहिए, 30 की गोटी चाहिए, या फिर 28 की गोटी चाहिए, मतलब जो भी आपका नट है, जो भी आपका लग नट है, जिस भी साइज़ का स्ट्रट लगा हुआ है आपके मशीन में, चाहे ट्रॉली हो, चाहे जेसीबी हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी मशीन हो जिसका नट खोलने में बहुत दिक्कत आती है, तो उस साइज़ की गोटी आपको उपलब्ध करा देंगे, वो साइज़ की गोटी मिल जाएगी। ये जो 32-33 की गोटी है ये आपको मशीन के साथ में फ्री मिलने वाली है। और इसके अलावा मशीन जो है जब आप इस नंबर पे फ़ोन लगाओगे मंगवाने के लिए तो आपसे एड्रेस पूछेंगे, पिन कोड वगैरह पूछेंगे, भारत में कहीं से भी हो, आप किसी भी कोने से हो, जहाँ आपका पोस्टल कोड है वहाँ पे ये मशीन आपको पहुँच जाएगी। दूसरी बात, कैश ऑन डिलीवरी आपको देना है, मतलब जब मशीन आपके पास पहुँच जाए, जब मशीन आपके हाथों में पहुँच जाए उसके बाद में पेमेंट करना है, कोई प्री पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ऑनलाइन मोड या प्री पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अब एक बात और कि अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो उनको बताओ कि आप बिहाइंड द व्हील्स पे रमन का या रमन नायक का वीडियो देख के आए हैं, तो आपको वो फ्री डिलीवरी दे देंगे, मतलब मशीन पे डिस्काउंट तो जो मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल रेट उस दिन मिलेगा वो तो मिलेगी, साथ में आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगी, मतलब डिलीवरी का आपको कोई चार्ज उसमें नहीं देना है।
तो ये सारी बातें हैं, आप बिल्कुल मंगा सकते हो। और मशीन में कुछ ऐसी खराब होने वाली चीज़ नहीं है, अंदर गियर्स ही लगे हुए, बैरिंग ही लगे हुए उसके अंदर, और उसमें ग्रीस वगैरह हो रहा है, तो कुछ खराब होने जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही मजबूत बनाई है, पहले तो हैवी बनाई है, तो बहुत ही कमाल की मशीन ओवरऑल लगने वाली। मैंने तो खुद इतनी सारी गाड़ियों में टेस्ट किया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इम्प्रेसिव लग रहा था। हम कहाँ एक नट खोलने के लिए इतना और लगाने के लिए इतना परेशान होते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं था, मुझे खुद करना था कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी मशीन। तो बस ये सारी बातें थी इस वीडियो में, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आपने मज़ा आया आपको इस वीडियो में, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।